गुलामी और वादराद सदों पछुआण। इजराइली रो राज्य और यहूदा रो राज्य दोनों परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। तेने सजा वादा चोड़ पया जो परमेश्वर तेनो सीता सिनाई गया किया था। परमेश्वर तेनो पश्चाताप करने और दोबारा दो तेसर आराधना करने के चेतावनी देने के अपने भविष्य वक्त डेवे, पर तेने तेनर बात मानने दो मना कियो। तब परमेश्वर तेनो दुश्मनों तेनो नाश करने दे सक्षम करने रे द्वारा दुने राज्य सजा दी। तो अश्रूर एक रेखा देश था जो हद शक्तिशाली हो गया था। सह दूजे देशों के खिलाफ हद बुरे भी थे। तेने आयो इजराइली रो राज्य नाश कर पियो। अश्रूरिये आयो इजराइली रे राज्य दे हद पूरे जांगे जो चाहो सह लूट पियो और देशों रे कई हिस्से फूक पिये। अश्रूरिये सब अगवे अमीर माछ और एर माछ जो कीमती चीज़ बना सकत है एक ही साथ इकट्ठे किए और सत्य ने अश्रूरी देशक निये। इजराइली दे बस कुछ गरीब इजराइली ही बसे थे। तब अश्रूरी माछ तेस देशक रोने रिताई विदेशी लोये। तेने विदेश के से नगर दोबारा दो बनाए जो इजराइली तेते बचे थे। तेन दतेने विदेशियों शादी की। तेन माछर वंशज सामरी बोले गोए। यहूदा रे राज्य रे माछ है देखो कि केरो परमेश्वर तेस गाय विश्वास ना करने और तेसरी बात ना मानने रे कारण इजराइली रे राज्य रे माछ सजा दित गो। और तब भी तेने कनानियों रे देवते रे मूर्ति रे पूजा की। परमेश्वर तेनो चेतावनी देने के भविष्य वक्ता डे पर तेने सुनने दो मना कर पियो। लगभग 100 साल वासिये अश्रूरिय इजराइली रो राज्य नाश कर पियो। परमेश्वर बेबीलोन रे राजे नबुकदनेजर यहूदा रे राज्य गए हमला करने रिताई भेजा। बेबीलोन एक ताकतदार देश था। यहूदा रा राज्य नबुकदनेजर रा दास बनने और हर साल तेस हद सारे पड़ोस से भुगतने रिताई सहमत हो गया। पर कुछ सालों वासिये यहूदा रे राजे बेबीलोन रे खिलाफ विरोध किया। तब बेबीलोनिये पछुआय यहूदा रे राज्य गए हमला कर पया। तेने यरूशलेम नगर गए कब्जा कर पया, मंदिर खत्म कर पे और नगर और मंदिर रा खजाना लुटनी गोए। विरोध करने रे कारण यहूदा रे राजे सजा देने रिताई नबुकदनेसर रे सैनिक राजा रा बेटा तेस गांव का पूरा जांगा और से आंधा कर पया। तई बासिये तेने राजा नी पया ताकि से बेबीलोन रे जेलखाने दा मर जाओ। नबुकदनेजर और तेसरे सेना यहूदा रे राज्य रे लगभग सारे ही माछ बेबीलोन कनिये। बस सभी गरीब माछ पाछू छोड़ियो ताकि से खेचो दी फसल जमा। समय रे तेस कालख बंदवाई बोलोगो जिंदा परमेश्वर रे माछ वादे रे देश दो निकलने रिताई मजबूर किए गए थे। भले ही परमेश्वर अपने मांस तेनर पापरिताई बंदुआई दो निये जाने रे द्वारा सजा दी। तबे भी से तेनो अपना वादा नहीं भूलना था। परमेश्वर अपने माछर निगरान करने जारी छाड़ और अपने भविष्य वक्त द्वारा तेन दो बात कर दरवा। परमेश्वर वादा किया कि 17 साल वासिये से द्वारा दो वादे रे देशक आओले। लगभग 17 साल वासिये फ्रासरे राजे कुस्त्रुए बेबीलोन पराजित कियो। एरिताई बेबीलोन साम्राज्य रे बजाय फारसरे साम्राज्य कई देश गए राज कियो। इजराइली माछ एबे यहूदी बोले जाओ थे। तेना मुझो हद सारे अपना जीवन बेबीलोन दा बिताओ पया था। केवल हद थोड़े बूढ़े यहूदी ही यहूदी रा देश याद था। फारसी माछ हद शक्तिशाली थे पर तेने अपने जीती होंदी माछ गए दया की थे। फारसी माछ रा राजा बनने रे थोड़े समय वासिये कुस्त्रुए एक आदेश दिता कि कुए भी यहूदी जो यहूदा देशक पछकाणो चाह था से फारसद निक्य पाछू यहूदा देशक डेव सक। एत ताई कि तेनिये तेन मंदिर द्वारा द बनाने रिताई
पैसा भी दीते। तब बंधुआई रे 17 साल बस के यहूदियों रा एक छोटा समूह यहूदा रा राज्य रा यरूशलेम नगर अछुया। जब से माच यरूशलेम पहुँचे तो तेने मंदिर और नगर रे चारों दियों दीवार द्वार दो बढ़ाई। फारसी माच एवं भी तेन गाय राज कर थे, पर एक ही बेरी द्वार दो से वादरे देश दे रो लागे थे और मंदिर दो राजना कर लो थे। दूजा राजा अध्याय 17-24-52, दूजा इतिहास 36-1-10, नहेम्याह 1-13-2, 1 बाइबलर कहाना।